दबा के देखा, माइनस वन प्रेस ही नहीं हो रहा था। मैं मेरे को एक आवाज आई, मैं जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो आज हम करने वाले हैं एलिवेटर रिचुअल, जो कि सब आप लोग ने रिक्वेस्ट करे थे, इसलिए हम कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बिल्डिंग में 10 फ्लोर के बिल्डिंग 10 हाँ ये कर लो पहले 10 फ्लोर तो है पर 10 फ्लोर की लिफ्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसमें नहीं कर पा रहे। पर हम लोगों को हमारी एक फ्रेंड मिली है जिसके घर में, जिसका जो घर है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग में है, बट वहाँ पे 11 फ्लोर। और हमारी जो फ्रेंड है उसने बोला है कि लिफ्ट में आप आ तो रहे हो पर प्लीज ध्यान से आना, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में कई बार बहुत ज्यादा उल्टी सिल्टी हरकतें होती रहती हैं और लिफ्ट लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि लिफ्ट शायद से हॉन्टेड हो सकती है। तो वहाँ पे सब लोग सीढ़ियाँ यूज करते हैं, इवन अगर उसको 10वें फ्लोर पे जाना होता है, सो वियर्ड, बट स्टिल वो लोग ये करते हैं, किसको भूत से पल्ले ले लें यार। तो ठीक है, अपना ही परछाई देख के डर के तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, एंड क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। ऑलमोस्ट अभी 11 बज रही है, दिखा दो, 11 बजने वाली है, 12 बजे हमको पहुंचना, हमारा एक घंटा दूर है, हमारा ये जो एक बिल्डिंग है तो हम वहां तक पहुंचेंगे, एक घंटे 12 बजे तक हम लोग वहां पहुंचेंगे। बट या इसमें बेसिकली होता क्या है एलिवेटर रिचुअल, अगर आपको नहीं पता तो मैं हल्का सा डिटेल बताती हूँ। वो ये है कि ये एक रिचुअल है जिससे आप एक अदर वर्ल्ड में पहुंच जाते हो, एक दूसरा वर्ल्ड जो अभी करंट जो वर्ल्ड है उससे बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा होता है कि आपको एक एलिवेटर में घुसना है, आपको एक सेट ऑफ सीक्वेंस नंबर्स फॉलो करने हैं, वो एक एक करके आपको दबाना है, और जब वापस जब आ रहे होते हो, जब वापस फर्स्ट फ्लोर या जीरो फ्लोर जहाँ पे भी आपने स्टार्ट किया वहाँ पे आने वाले होते हो, तब अगर आप नीचे आने की जगह, फिफ्थ फ्लोर से आपको नीचे आना होता है, अगर आप नीचे आने की जगह ऊपर की तरफ चलने लग गए तो समझ जाओ कि आप लोगों के साथ अभी कुछ बहुत ही रोलर कोस्टर राइड वाली चीज होने वाली है। दैट मीन्स आपको एंट्री मिलने वाली है दूसरे वर्ल्ड। हाँ, दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गए, एंड वो पता नहीं मेरे को कुछ अजीब अजीब लग रहा है। हाँ, वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गए, एंड है ना वो लोग क्या बोलते हैं, उनको बाहर देखने पे ना ऐसे लाल कलर की क्रॉस दिखते हैं उल्टे। बट वापस अगर हम लोग वहाँ पहुंच गए तो हमको वापस आना है, तो सेम सीक्वेंस फॉलो करना है, एंड नहीं तो हम इमरजेंसी बटन दबा सकते हैं जब ये गाड़ी ऊपर चलने लगती है। ये 10वें फ्लोर को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, दैट्स व्हाट दिस से। ये रिचुअल पहले से एग्जिस्ट करता है, बट अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी हो जो कि नेटफ्लिक्स पे भी है, दैट इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ एलिसा लैम, जो कि एक स्टूडेंट थी जो कि न्यूयॉर्क में गई थी, एंड वहां पे उसका एक स्ट्रेंज वीडियो लग क्या है क्या करे मैं मुक्का मार दूंगी जरूर। हाँ तो जान दे, लेट इट गो, ठीक है। और इसमें ये है कि उसमें ये सीन है कि अगर एलिसा लैम का लास्ट एक जो वीडियो मिला है वो ये एग्जिस्टेंस में, वो ये है कि लिफ्ट में वो बहुत ही वियर्ड और ना अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, जैसे वो पोजेस हो रही हो, उसको कोई ऐसी चीज दिख रही हो जो हमें कैमरे में नहीं दिख रही पर उसको दिख रही है, एंड देन वो सबसे टॉप फ्लोर पे निकल के उसके बाद वो ना लिफ्ट में वापस आई ना कुछ, उसके बाद से वो गायब हो गई। एंड देन डेज लेटर जब उसके पेरेंट्स ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि भैया हमारी बच्ची है कहाँ और इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, तो पता चलता है कि वो ऊपर जो वाटर टैंक है उसमें है। तो ये एक होमिसाइड भी हो सकता है, बट होमिसाइड में ना ये नहीं होता जैसा जो वो दिखा रहे थे लिफ्ट में जो दिख रहा था। अगर आप जब से ये चीज़ फेमस हुई ना तब से एलिवेटर रिचुअल भी फेमस हो गया है, एंड क्योंकि लोग मानते हैं कि जो वो उसका जो ये ऐसा बिहेवियर था ना ये एलिवेटर रिचुअल का सीन था, एंड उससे एलिवेटर रिचुअल फेमस हुआ है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू एंड अप इन अ वाटर टैंक, बट ठीक है, लेट्स गो एंड गिव इट अ ट्राई। ये पुरानी सी एक थोड़ी सी ओल्ड बिल्ड बिल्डिंग है जिसमें हम आए हैं। यहाँ पे कई ऐसे कोने हैं जो बहुत ज़्यादा क्रीपी लगते हैं, और यहाँ के लिफ्ट के बारे में बहुत उल्टा सुलटा हमने सुना भी, बिकॉज हमारी फ्रेंड यहाँ रहती है। और इस बिल्डिंग देखो लाइक ऊपर, तुम देख के बता सकते हो कि यहाँ मेंटेनेंस तक नहीं होता है, ऐसे कोने क्यों रख रखे हैं। और यहाँ एक इलेक्ट्रिकल रूम भी है जो हद ज़्यादा स्कैरी लग रहा है, बट एनीवे ये तो ऑलरेडी क्रीपी लग रहा है। ओके गाइस, हम लोग हैं अभी बॉटम फ्लोर पे। ठीक है, हम लोग यहाँ से सीक्वेंस एक बाय एक करने जा रहे हैं। चलो मैं फोन दे दे,
ओके फिर सीक्वेंस स्क्रीन पे डाल दिया हमने, ठीक है ये सीक्वेंस है, हमें फॉलो करने वाला ऑलमोस्ट 12 बजने वाली है, तो हम ये अटेम्प्ट कर जाना है, लेट्स गो। ओके गाइस हम लोग सबसे पहला कर रहे हैं फोर्थ, लेट्स सी। पता नहीं यार कुछ भी हो सकता है। फोर्थ में इतना बड़ा बड़ा फोर भी लिखा हुआ था। अब हमें जाना है सेकेंड फ्लोर पे, इस पे टू क्यों नहीं लिखा हुआ, उतने बंद हो गया। गाइस वापस हम सेकेंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, अभी वहां पे बहुत खन 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 आवाज आ रही थी तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। अब है सबसे क्रेजी, हमें जाना दसवीं फ्लोर। क्या है यहाँ देख के लिए क्रीपी फेस। सात गाइज यहाँ पे आती है रियलिटी। फिफ्थ फ्लोर पे अपेरेंटली अ वुमन इज सपोज टू एंटर और वो उसको देखना नहीं चाहिए ना, तुम्हें वो देखना बाय चांस को एंटर होता तो ठीक है। बाहर देखना कैसे मार्क्स लगे हुए। अब हम फर्स्ट फ्लोर जा सकते हैं, आई मीन जीरो पे जा सकते थे बट ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वहां से। गाइस कोई नहीं आया तो आई थिंक वी आर सेफ, वी डिड नॉट पास थ्रू द अदर वर्ल्ड। थोड़ा वियर्ड सा नहीं लग रहा, ठंडा ठंडा सा। कुत्ते भौंक रहे। हम जीरो पे जा सकते हैं राइट। मैंने इतनी देर तो नहीं खुलना चाहिए। व्हाट्स हैपनिंग? मुझे नहीं पता, इनका लिफ्ट बंद हो चुका है, चल नहीं रहा। ओए गाइस हम लोग लिटरली वो लिफ्ट बंद नहीं होती, हम लोग को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बट अब हम इधर के बेसमेंट में चेकआउट करने जा रहे हैं, और हमारी जो फ्रेंड है उसने बोला कि हम बेसमेंट में जाता ही नहीं। लेट्स सी क्यों नहीं जाता, ऐसे तो मुझे समझ में आ रहा है क्यों नहीं जाता होगा, मेरे को लग रहा नहीं मुझे जाना चाहिए। भाई मेरा नीचे मर्डर वर्डर हो गया था। बहन दूर दूर तक कोई नहीं है।
मैम मेरे को एक आवाज आई, मैं जा रहा हूँ। ओके गाइज, तो हम लोग वापस निकल चुके हैं एंड गाइज ओ गॉड, हमने सारे लेवल्स क्रॉस करे, वहाँ तक तो ठीक था, ठीक है, हम लोग चुपचाप नीचे पे आ गए। बट आपने क्या वो देखा कि हम लोग निकले, निकलने के बाद आपने सारे फ्लोर में देखा कि सारे फ्लोर में डोर जो था एलिवेटर का वो क्विकली बंद हो रहा था, तो एलिवेटर के डोर में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। पर जब हमने एग्जिट किया हमको, और जब हम लास्ट फ्लोर पे आने वाले थे ना, मेरे को ना लिफ्ट ठंडी फील हो रही थी, हो सकता क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है जो भी, बट बहुत ज़्यादा ठंडी फील हो रही थी क्योंकि हम पाँचवें फ्लोर से जब निकले और फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे थे तो बहुत ठंडा लग रहा था। पर फिर भी हम निकल गए जीरो वाले फ्लोर पे एंड देन एकदम देखा तो पीछे बहुत देर तक भाई दरवाज़ा बंद नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे सब करके देखा, फिर मैंने दबाया तब भी काफ़ी देर तक नहीं हुआ, फिर जाके हुआ, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था। एंड देन इस बिल्डिंग में हमने वो बेसमेंट चेक करा, ओ गॉड वो बेसमेंट इतना ज़्यादा, आप खुद देखो ना आपको समझ में आएगा कि वो अबैंडन सी जगह, कोई अपने बेसमेंट को अबैंडन कैसे कर सकता है यार, जो पार्किंग वाला एरिया। दबा के देखा -1 प्रेस ही नहीं हो रहा था, उन लोग ने शायद मोस्ट लाइकली ब्लॉक कर दिया, बट फिर भी यार वो आप कैसे कर सकते हो, चलो आपने एक बटन कर दिया बट आपने वो बेसमेंट को प्रॉपरली, दैट शोज कि वो बेसमेंट अबैंडनड है प्रॉपर, और वो हॉन्टेड फॉर श्योर हो सकता है। और वहाँ पे एक एक लाइट नहीं थी, एक लाइट जो इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए जला दी हो ना वो भी नहीं थी। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस बिल्डिंग, और कुछ तो गड़बड़ था यहाँ पे, आई डोंट नो क्या था, बट हमने थोड़ा बहुत लिया, मुझे बहुत वियर्ड सा वाइब आ रहा था, कुछ मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ कुछ मूव कर रहा है या कोई मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं भाग के ऊपर आ गई थी। बट स्टिल वी ट्राइड कि हम थोड़ा बहुत कैप्चर करें। बट अगर आप चाहते हो कि हम ओवरनाइट चैलेंज करें, ऑब्वियसली हम अकेले दो तो नहीं करेंगे, हम दो तीन जनों को और उठा लेंगे, क्योंकि बाई चांस हम मर गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को 50K लाइक्स कर दो, दैट्स इट, 50K लाइक्स हो जाएंगे, विल डू दैट। ओवरनाइट चैलेंज हो सकेगा तो रह के ही आएंगे, बट अगर देखेंगे क्या हो सकता है, बट हम वो करेंगे चैलेंज। बट या 50K लाइक्स एंड यहाँ पे 1000 कमेंट्स, ये दोनों कर दो, डन हो जाएगा। बट या दैट वाज इट, बहुत ज़्यादा क्रीपी था, आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था, बट वी आर ग्लैड कि, और हाँ मैं जब गाड़ी में आई, चिन्नू लेट आई थी क्योंकि चिन्नू के जो फ्रेंड थी फ्रेंड से मिलने गई थी, बट मैं जब गाड़ी में ही अकेली आई तो मुझे ऐसा लगता मेरी गाड़ी में भी कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता चिन्नू अपनी गाड़ी से पीछे से बिल्कुल फॉगी हो गई है, पता देख ये नहीं दिख रहा बट पीछे फॉगी हो गया। हम लोग जब आए मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं जब आई मेरे को ऐसा लग रहा मेरी गाड़ी में कोई बैठा था, मैं थोड़ी देर तो लाइट ऑन करके बैठी थी जब तक चिन्नू नहीं, बट ठीक है अब हम निकल चुके हैं, अब हम घर जा रहे हैं। लेट्स डू इट गाइस।